राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया तूफानी रोमांचक मुकाबला। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज तो वहीं राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की टीम ने बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज दूसरा महेंद्र सिंह धोनी कहा जाने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाते हुए यहां पर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जी हां, बारिश की वजह से यह मुकाबला काफी ज्यादा लेट हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से मुकाबला 5-5 ओवर का नहीं बल्कि आप सभी को बता दें कि यहां पर सुपर ओवर में यह मुकाबला खेला गया। यहां पर यह मुकाबला काफी ज्यादा तूफानी रोमांचक मुकाबला रहा। इस मुकाबले को देखकर शायद आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में अब बात नहीं रह गई, अब प्लेऑफ के भीतर की बात है। जी हां, आप सभी को बता दें कि राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइज हैदराबाद और आरसीबी की टीमें हैं, ये पूरी तरीके से प्लेऑफ में चार टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अब इनके बीच काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला खेला गया जहां पर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस यहां पर कोलकाता नाइट राइडर के बीच काफी ज्यादा तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला गया, जो आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये मुकाबला काफी ज्यादा तूफानी और रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले को देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली न कर पाए, वो यहाँ पर रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कर दिखाया। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी कोलकाता नाइट राइडर ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी का न्योता यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिया। जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। संजू सैमसन ने पहले ही गेंद पर लगातार बेहतरीन तरीके से एक चौका जड़ दिया, तो वहीं दूसरी गेंद पर भाग करके एक रन मिल पाया, तो वहीं तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट करके बल्लेबाजी करने लगे। एक ओवर के भीतर ही इन बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आप सभी को बता दें कि 22 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल ने एक ही ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 22 रन ठोक दिए, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर को वैसा लगा कि इस मुकाबले को बहुत ही मुश्किल में हम जीत पाएंगे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से कोलकाता के कप्तान सुरेश अय्यर और घातक विस्फोटक बल्लेबाज दूसरा महेंद्र सिंह धोनी कहे जाने वाला बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़ा। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही छक्के चौके चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और यहां पर आप सभी को बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां पर प्ले ऑफ में यह मुकाबला जो है कोलकाता नाइट राइडर ने अपने नाम कर लिया। फिलहाल यहां पर कोलकाता नाइट राइडर नंबर एक पर है, नंबर दो पर सनराइज हैदराबाद आ चुकी है, नंबर तीन पर चली गई है यहां पर राजस्थान रॉयल्स और नंबर चार पर आरसीबी। अब इनके बीच काफी ज्यादा तूफानी रोमांचक मुकाबला होगा और कौन सी टीम जीतेगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए।